हेलो गाइस, आज हम लोग देखने वाले लाइट के बेसिक पार्ट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लाइक लाइट, यहाँ से थर्ड बटन आपका लाइट्स। ठीक है, दो चीज़ आपको मिलेंगे आपको यहाँ पे, फर्स्ट इज स्टैंडर्ड एंड सेकेंड इज आपका फोटोमेट्रिक। ठीक है, स्टैंडर्ड पे आते हम लोग, यहाँ पे स्टैंडर्ड हम लोग डिस्कस करते हैं। लाइक यहाँ पर ओमनी है, ठीक है, टॉप टी फॉर टॉप, मैंने मैंने एक लाइट क्रिएट किया, पी फॉर प्रोजेक्टिव एंड जेड। ओके, डब्ल्यू प्रेस करके हम लोग यहाँ पे देखते हैं फिर इनका इम्पैक्ट क्या है। लाइक हम लोग अभी जानेंगे हर लाइट के बारे में, लाइट का एक ऑप्शन क्या है। ठीक है, एंड लाइट का यूज़ क्या है। एक लाइट है, लाइट को देखो आप, यहाँ पे ऑल्ट क्यू प्रेस करो आप, यहाँ पे लाइट का आइकन कैसे है। लाइक सिंपल सा डायमंड शेप है ना। कभी भी किसी भी लाइट को आप डिफाइन करने जाओ तो सबसे पहले उसके बारे में बताओ लाइट का लुक कैसा है। लुक है आपके यहाँ पर डायमंड शेप। ठीक है, किस टाइप से इम्पैक्ट देता है नाइट ऑल, लाइक जेट फॉर जूम। ठीक है, जो ओमनी लाइट है ये वर्क करता है लाइक ए बल्ब। ठीक है, बल्ब की तरह लाइक चारों तरफ इक्वल रोशनी स्प्रेड करता है आपके यहाँ पे। ठीक है, स्विफ्ट एंड क्यू। आप यहाँ पे देखो लाइट का इम्पैक्ट कुछ देखेगा आपको यहाँ पे। ये जो ऊपर से लाइन, एक लाइन से जो रेंडर कर रहा है इसे हम लोग कहते हैं स्कैन लाइन रेंडर। लाइक हम लोग को जज करना आना चाहिए कि हाँ भाई कौन सा रेंडर है। ठीक है, ओके, लाइट पे गए। लाइट का एक स्विच होता है, जैसे रियल लाइफ में स्विच होता है ना, ऑन ऑफ करते लाइट ऑन ऑफ होता है, वैसे आपके यहाँ पे एक स्विच है ऑफ ऑन। ठीक है, राइट क्लिक करके आप यहाँ से भी ऑफ ऑन कर सकते हो आप यहाँ पे। ओके, जो मेरे पे स्लाइड्स है, अगर मैं देखो यहाँ पे लाइट्स कितने हैं, अगर देखें यहाँ पे लाइट के अंदर देखो, टारगेट स्पॉट, फ्री स्पॉट, टारगेट डायरेक्ट, फ्री डायरेक्ट, लाइक दोनों सेम सेम ही है, सिर्फ टारगेट का डिफरेंस है। ओमनी है, स्काई लाइट है, एम आर एरिया ओमनी, एम आर एरिया स्पॉट, एम आर मतलब वेंटर लेवल। ठीक है, हम लोग यहाँ पे जाते हैं। लाइक ओमनी लाइट है, इसमें देखा तो तीन ही लाइट है, स्पॉट डायरेक्शन एंड ओमनी। स्पॉट पे देखते हैं, लाइक क्लिक किया मैंने स्पॉट पे, स्पॉट का एक एरिया आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लाइक कैसे इम्पैक्ट दे रहे हैं आपको यहाँ पे, किसी भी चीज़ को फोकस करने के लिए हम लोग यहाँ पे स्पॉट लाइट यूज़ कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। जैसे स्टेजेस पे आप देखोगे, स्टेजेस है तो स्टेजेस पे किसी भी कैरेक्टर को शो करने के लिए स्पॉट लाइट का यूज़ किया जाता है, जैसे यहाँ पे देखा हमें, है ना। आइकन देखो, इसका आइकन कैसा है, कोनिकल आइकन है ना। ओमनी का आइकन था डायमंड शेप में, ठीक है, स्पॉट का आइकन कैसा है, कोनिकल। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ऑप्शन है टारगेट। ठीक है, टारगेटेड ऑन करेंगे फिर टारगेट हो गया यहाँ पे। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि यार यहाँ पे जो लाइट है टारगेट स्पॉट एंड फ्री स्पॉट। ठीक है, अभी नाम देखो यहाँ पे, नाम अगर मैं देखो क्या नाम है इसका, टारगेट स्पॉट, मैंने इसे ऑफ कर दिया, फ्री स्पॉट, मतलब एक ही लाइट को हम लोग दो लाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, डिफरेंसेस देख लें यहाँ पे, लाइक फ्री पे देखो, फ्री में हम लोग ऐसे ऐसे मूव कर सकते हैं यहाँ पे। लाइक मैं एक्स एक्सिस में मैं मूव कर रहा हूँ तो पूरा पूरा लाइट मूव हो रहा है एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन से। ठीक है, इवन राइट क्लिक करो यहाँ पे, लाइक मूव कर दिया मैंने यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ पे मैनेज करना चाहूँ यहाँ पे, अगर मैंने टारगेट ऑन कर दिया, अब मैं मूव करता हूँ तो देन मेरे पास यहाँ पे एंगल उस टारगेट के अकॉर्डिंग मैनेज हो रहा है। देन आप जान सकते हो कि ठीक है डिफरेंस क्या है टारगेट में और फ्री में। ओके, बिफोर प्रोजेक्शन जेड, अगर मैं कुछ ऐसा भी देखना चाहूँ लाइक स्विफ्ट एंड क्यों, जितने जगह लाइट का इम्पैक्ट है उतने जगह लाइट का इम्पैक्ट अपने आप ही दिखेगा हमें। ओके, अब जैसे मैं कहता हूँ यहाँ पे मैंने लाइट देखा, लाइट के अंदर हम लोगों ने देखा स्पॉट लाइट है, टारगेटेड है यहाँ पे। ठीक है, ओके, देन यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ डायरेक्शनल। जो डायरेक्शनल लाइट है इसे हम लोग कंसीडर करते हैं एज ए सन, सन लाइट के अकॉर्डिंग हम लोग इसे कंसीडर करते हैं यहाँ पे। लाइक टारगेट है, टारगेट में मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, एंगल वाइज मैं इधर से इधर मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। ओके, सेम चीज़ टारगेट ऑफ कर दो, अलग इम्पैक्ट देखिए यहाँ पे, है ना। इस लाइट का आइकन देखें यहाँ पे, एक एरो टाइप साइकन है यहाँ पे। ठीक है, जब भी हम लोग किसी सीन में लाइटिंग करेंगे, हम लोग कोई सीन यूज़ करते हैं उसमें लाइटिंग वाला पार्ट होता है, तो हम लोग देखते हैं
उसका एंगल कैसे है, शेप्स कैसे हैं। ओके उन शेप्स को हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ओके और शेप्स को देखने के बाद हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ओके क्या बात है। जस्ट मैंने लाइट को क्लिक किया, लाइट को क्लिक करने के बाद यहाँ पे मॉडिफाई में ऑप्शन होता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मॉडिफाई में ऑप्शन दिख रहा है, देन अगर मैंने डायरेक्ट क्लिक किया सेंटर पे तो यहाँ पे मॉडिफाई में ऑप्शन नहीं मिलेगा। ओके मॉडिफाई में चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। आइडिया कुछ मिला, स्पॉट कैसा है, ठीक है, डायरेक्शनल कैसा है, ओमनी कैसा है। मैंने ओमनी में कन्वर्ट किया तो देन यहाँ पे आपको लाइट कैंपर देखिएगा आपके यहाँ पे। ओके एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, लाइक रियल लाइफ में क्या होता है, जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट होगा, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को अगर मैं रखता हूँ, लाइक सपोज मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है किसी सरफेस पर अगर मैं रखता हूँ, तो इसका तो क्या होता है, शैडो विजुअल है ना। तो यही एक पार्ट होता है, हम लोग किसी भी एक ऑब्जेक्ट को किसी सर्फेस पर रखेंगे तो वहाँ पर उसका शैडो भी विजुअल होगा। हम लोग अपने लाइट के अंदर हमने देखा शैडो है क्या, नहीं ना। तो हम लोग एक काम करते हैं, डू वन थिंग, लाइट सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, शैडो ऑन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल दिखाता हूँ, फ्रंट पे गए मैंने इस लाइट को यूज़ किया यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पर रख दिया टी फोर टॉप एंड जेड। लाइट का कलर थोड़ा ठीक कर देते हैं यहाँ पे, गो टू मॉडिफाई, ठीक है। कलर हमें देना है, लाइक मैं चलता हूँ लाइक वार्म कलर है ना। ओके स्विफ्ट एंड क्यू, नाइट मोड में आपकी लाइटिंग देखना स्टार्ट हो जाए, लाइक नाइट मोड क्या होता है, लाइक हमें वार्म कलर दिखाना है। तो वार्म कलर का इम्पैक्ट आपके यहाँ पे देखना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने एक ओमनी लाइट लगा दी यहाँ पे, शैडो ऑन कर दिया, शैडो देखो आपके सामने यहाँ पे। ओके जस्ट सपोज ये जो डार्कनेस वाला पार्ट है, इस डार्कनेस वाले एरिया को मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, सपोज़ मैंने एक काम किया, इस लाइट को मैंने जस्ट कॉपी कर लिया, ओमनी लाइट है ना मेरे पास यहाँ पे, ओमनी लाइट की कॉपी कर दो या फिर लेफ्ट एंड जेड, यहाँ से मैं काम करता हूँ, एक लाइट लगा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, टारगेट डायरेक्ट लाइट। और मैनेज कर दिया मैंने यहाँ पे, गो टू मॉडिफाई। ओके और यहाँ पे मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। जूम, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, लाइक जो टारगेट डायरेक्ट लाइट है इसका हम लोग यहाँ पे कलर यूज़ करते हैं, लाइक डार्क ब्लू से डार्क पर्पल, ठीक है। ओके देन यहाँ पे हम लोग शैडो यूज़ कर सकते हैं, शैडो, ठीक है। और एक काम करते हैं, लाइक इस लाइट के अंदर कुछ पैरामीटर उसका देखते हैं, जो आपका एक राउंड एरिया है ना इसको हम लोग बड़ा करते हैं यहाँ पे। ऑप्शन कहाँ मिलेगा आपको यहाँ पे, हॉटस्पॉट बीम, ठीक है, सी फोर कैमरा, स्विफ्ट एंड क्यू। अगर आप देखो यहाँ पे तो देखो इम्पैक्ट दिख रहे हैं यहाँ पे ओवरऑल, लाइक सब पे अगर देखा है तो सब पे एक ब्लूइश इम्पैक्ट दिख रहा है आपको, ठीक है, और अंदर आपको वार्म इम्पैक्ट दिख रहा है। चीज़ों को हमने मैनेज करते हैं, दो कलर मिक्स हो रहे हैं आपके पास यहाँ पे, हम लोग इसके अंदर शैडो के अंदर भी काम कर सकते हैं, ठीक है, चीज़ों को मैनेज भी कर सकते हैं यहाँ पे कि किस तरह से काम है। ये पीछे वाइट अच्छा नहीं लग रहा, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, प्रेस करते हैं एट, एट में जाकर हम लोग इस वाइट को, नाइट का सीन है ना, लो, ठीक है, सेफ टेन क्यों देखा, तो बेसिक लाइट सेटअप बना दिया यहाँ पे। नाइट मोड में बेसिक यही लाइट यूज़ किया जाता है, इस टाइप से कलर यूज़ किया जाता है, बस शैडो के साथ थोड़ा सा काम किया जाता है। ओके और लाइक यहाँ पे मैं चीज़ों को कैसे फुलफिल कर सकता हूँ, लाइक मेरे पे जो लाइट है टी फोर टॉप एंड जेड एफ थ्री, ओके इस लाइट को मैंने उठाया यहाँ पे, ठीक है, इसके अंदर रख देते हैं, कर सकते हैं जेड एफ फोर फ्रंट एंड जेड, यहाँ देखा है, लाइक यहाँ पे मैं लाइट का सोर्स ऐड ऑन करता हूँ, ठीक है, लाइट का सोर्स कहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, सी फोर कैमरा। और लाइक वार्म लाइट को मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, देखो अलग अलग पार्ट है, अलग अलग चीज़ें, किस टाइप से चीज़ों को मैं फुलफिल कर सकता हूँ देन। ये बेसिक एक बेसिक कलर कॉम्बिनेशन है कि आप कलर कॉम्बिनेशन क्या करें, आप देख सकते हो यार, ठीक है, मैं उस लाइट का इम्पैक्ट है, लाइट का इम्पैक्ट अकॉर्डिंग हम लोग किस टाइप से चीज़ को मैनेज कर सकते हैं, किस टाइप से लाइट को हम लोग मैनेज कर रहे हैं, उसका शैडो देख रहे हैं, जहाँ पर मैंने लाइट लिया उसका शैडो आपको यहाँ पर दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इसका एरिया बहुत दूर ना जाए, तो हम लोग इसके अकॉर्डिंग भी चीज़ों को फुलफिल कर सकते हैं यहाँ पे, जस्ट बेसिक्स ऑफ लाइटिंग किस टाइप से हम लोग मैनेज कर सकते हैं,
दो कलर को मिक्स कैसे किया गया, इसका एक आइडिया मिला हमें यहाँ पे। सपोज मैं इसकी इंटेंसिटी कम करना चाहता हूँ, मैंने कहा यार इंटेंसिटी का यूज़ करते हैं 0.5 कर दिया मैंने यहाँ पे, थोड़ा सा कम हो जाएगा यहाँ पे। लाइट को अगर देखो, लाइट का ना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि लाइट अगर हम लोग देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि कोई भी एक लाइट का एक एरिया होता है कि कितने डिस्टेंस तक वो लाइट के यहाँ पे जाना चाहिए, ठीक है। तो उस एरिया के अकॉर्डिंग हम लोग चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। लाइक आपने कभी कैंडल देखा है, कैंडल की लाइट का एक एरिया होता है, एक छोटा सा एरिया पर हम लोग चीज़ों को होल्ड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इनके एरिया को डिफाइन करने वाले हैं, ठीक है। मैंने ओमनी देखा, ठीक है, मैंने इंटेंसिटी कम की, ठीक है, मुझे लगता है और ज़्यादा बेटर करना चाहिए। डीके पता है, डीके डीके क्या था, आपका एरिया डिफाइन करता है। सपोज जैसे इसका एरिया इतना था, मैंने यहाँ पे डीके कर दिया, इनवर्स इनवर्स दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये एरिया मैंने कहा यार इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, ठीक है। चेक करें एक बार यहाँ पे, ऐसा कुछ हम लोग देख पा रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। जितना एरिया हम लोग डिफाइन करेंगे वैसे हमारा उस एरिया आएगा, ठीक है। लाइक मैंने कहा यार मुझे काम करता है, मैंने यहाँ पे इंटेंसिटी बढ़ाई लाइक 5, ठीक है, इनवर्स स्क्वायर। लाइट की इंटेंसिटी बढ़ी है वहाँ पे, ठीक है, ज़्यादा बर्न करेगा वहाँ पे, और इसका एक एरिया है जो डिफाइन कर देगा कितने दूर तक जाने वाला है। एक काम करते हैं यहाँ पे, ठीक है, दो वन थिंग यहाँ पे मैंने क्या किया, इसका एरिया को मैंने कम कर दिया, इतना एरिया मैंने कम कर दिया, ठीक है। अब लाइक यहाँ पे कुछ लिमिटेड रह गया क्या, कि मैंने दिखाया कि इसके आसपास का ही एक एरिया डिफाइन हो पाया क्या, इतने दूर तक कहीं लाइट का इम्पैक्ट है, हमें ये डिफाइन करना पड़ेगा कि यार किस लाइट का इम्पैक्ट कहाँ तक है, ठीक है, तभी हम चीज़ों को फुलफिल कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, डोंट थिंक, एक काम करते हैं, एक ओमनी लाइट लगाते हैं, मैं क्लिक ओमनी, ठीक है। जैसे लाइट लगाते हैं, इस लाइट के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे एक ऑटो ग्रिड भी ऑप्शन होता है, ग्रिड के ऊपर आ जाएगा आपके पास यहाँ पे F3, ठीक है, मैनेज कर दिया मैंने यहाँ पे। ओके, गो टू मॉडिफाई, देन आप यूज़ कर सकते हो शेडो, ठीक है, हल्का सा ऑरेंज कलर यूज़ करें यहाँ पे लिटिल बिट, ठीक है। और मैंने कहा एक काम करते हैं, डोंट थिंक, रेंडर करके देखते हैं, देन अब मेरे पास बहुत बर्न का इम्पैक्ट दिखेगा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर आपका डीके यूज़ नहीं किया हुआ है ना, डीके यूज़ नहीं किया था, यानी बर्न दिखेगा यहाँ पे। ओके, तो हम लोग एक इम्पैक्ट यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, एक सिंपल सा बार, सिंपल सा बेसिक फंडा हम लोग हैं सिंपल यहाँ पे, ठीक है। इनवर्स स्क्वायर देखो, डीके को समझो, डीके कर क्या रहा है, जस्ट क्लोनिंग, ठीक है। मैंने रेंडर किया यहाँ पे, डीके ने यहाँ पे क्या किया, लाइक प्रॉपर जो एरिया है, अब पहले वाले को और आपको कंपेयर करके देखना है। डीके ने कुछ कम किया गया, ये अभी वाला इम्पैक्ट है, इससे पहला वाला इम्पैक्ट ये है, तो देन आप दोनों को कंपेयर कर सकते हो आप यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड डीके, ठीक है। डीके में आपका इम्पैक्ट इतने दूर तक लिमिटेड रह गया और ग्रेजुअली कम होकर जा रहा है ना, धीमे धीमे आपके लाइट का इम्पैक्ट कम हो जा रहा है। यहाँ पे पूरा प्रॉपर एक लाइट का डायरेक्शन है, जितने दूर तक जा सकता जा रहा है, ठीक है। तो इसका एक आइडिया मिलना है यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कि लाइक एक लाइट का इम्पैक्ट मैंने यहाँ पे दिया, ठीक है। लाइट किसी सरफेस के पास होती है, उसका इम्पैक्ट नीचे भी होगा, है ना। तो अगर उसका इम्पैक्ट नीचे होगा, लाइक सपोज मैंने यहाँ पे एक लाइट को मैंने यूज़ किया हुआ, ठीक है, इस लाइट को मैं यहाँ पे जस्ट प्लेस करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे मैं कुछ दिखा सकता हूँ, लाइक यहाँ पे कुछ इम्पैक्ट, डीक्यू को मैनेज करने का एक बहुत अच्छा पार्ट है। ठीक है, ऑल डब्ल्यू देन शिफ्ट एंड क्यू, ओके। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे नियर एटेन्यूएशन एंड फार एटेन्यूएशन, ठीक है। नियर एटेन्यूएशन और फार एटेन्यूएशन में क्या है, लाइक चलते हैं फ्रंट पे, फ्रंट एंड जैक, ठीक है। तो वन थिंग यहाँ पे एक स्पॉटलाइट बनाते हैं, ठीक है, स्पॉटलाइट लगाते हैं यहाँ पे, क्लिक एंड ड्रैग, ओके, टी फोर टॉप एंड जैक, ये है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। और मैंने एक काम कर दिया यहाँ पे, इस लाइट को हम लोग यहाँ पे मैनेज करते हैं, लाइक गो टू मॉडिफाई, टारगेटेड नहीं चाहिए मुझे यहाँ पे, फ्री ही चाहिए यहाँ पे,
देन हम लोग यहाँ पे देखते हैं, मेरे पास इसका कोनिकल एंगल है। देखो शैडो हम लोग बस ऑन करेंगे तो शैडो ऑन होते हैं, यहाँ पे इम्पैक्ट देखेगा आपके यहाँ पे। ओके और कोन को हम लोग कैसे कम कर सकते हैं यहाँ पे, देखो हॉटस्पॉट बीम दिख रहा है आपके यहाँ पे, हॉटस्पॉट बीम को हम लोग यहाँ पे मैनेज करते हैं यहाँ पे। चलिए एक हम लोग लाइट यहाँ पे लगाया, ठीक है इस लाइट को हम यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करते हैं। ओके थोड़ा सा रोटेशन दे देते हैं यहाँ पे लिटिल बिट, और डब्ल्यू प्रेस करके यहाँ पे मैनेज करते हैं, ठीक है जितना ज़्यादा एरिया आ सके यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे गया, ठीक है अब मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं यहाँ पे, लाइक इफ़ यू वांट यू कैन चेंज योर कलर। ठीक है मैं जाता हूँ थोड़ा सा हल्का सा कलर चेंज करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है रेंडर करके देखते हैं यहाँ पे क्या इम्पेक्ट आते हैं। अब एक अच्छे लाइटिंग आर्टिस्ट की पहचान क्या होती है कि वो ना अपने सिलेक्टेड एरिया पे ही वो रेंडर करें। जैसे मैंने यहाँ पे काम किया, मैंने एक लाइट इम्पेक्ट दिया यहाँ पे, ठीक है इतना मेरा एक एरिया डिफाइन हो गया यहाँ पे, ठीक है एरिया डिफाइन हो गया। यहाँ पर मैं चलता हूँ, इसे हम लोग करते हैं रीजन। ओके इसको यहाँ लेके चलते हैं, चलो भाई यहाँ पे डन। अब मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, लाइक इस रीजन के अंदर हम चलते हैं यहाँ पे, और रीजन के अंदर हम लोग देखते हैं यहाँ पे कुछ ऑप्शन है मेरे पास यहाँ पे, एक एक करके हम लोग देखते हैं उस ऑप्शन का यूज़ क्या है। मैंने कहा यूज़ हम देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है जो जब तक इसे मैं क्रॉस नहीं करूँगा यहाँ पे तब तक एक्टिव नहीं होगा यहाँ पे। देखो यूज़ देख रहे हैं यहाँ पे, यूज़ ऑन करते हैं यहाँ पे कुछ कम हुआ गया। देख रहे हैं एंड देखते हैं यहाँ पे, लाइक एंड ओके मेरे पास यहाँ पे एंड है, ठीक है ये स्टार्ट है मेरे पास यहाँ पे स्टार्टिंग। देखो स्टार्टिंग कहाँ से है, मैंने यहाँ पे कर दिया लाइक टू, ठीक है यहाँ पे कर दिया लाइक नियर एंड फॉर का क्या यूज है, लाइक ये देखो आपको यहाँ पे देखना है पे 0.19 या 277 पे आपको एक एरिया दिखना स्टार्ट हो गया पे, ठीक है या 0.35 कर दिया, ठीक है विजुअली आपके पास यहाँ पे। यहाँ पे मैंने एक काम किया, मैंने कर दिया 0.3 कर दिया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे लाइट इम्पैक्ट यहीं तक था, ठीक है रेंडर करके देखते हैं यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है तो यहाँ से स्टार्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, लाइक लाइट का हम लोग एक एरिया डिफाइन कर पा रहे हैं। स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए, स्टार्ट 0.3 mm से, ठीक है 3.5 लाइक मैं इसे मैनेज कर सकता हूँ। मैंने कहा एक काम किया, मैंने कहा ओके चलो नीचे चलते हैं यहाँ पे, देखो ग्रेजुअली कम हो रहा है यहाँ पे, यहाँ से लाइट का इम्पैक्ट हुआ और धीमे धीमे कम होते हैं यहाँ पे ज़्यादा बढ़ रहा है। और लाइक मैं इसके पास ले गया तो यहाँ पे इंटेंसिटी यहाँ पे तेज़ है, लाइक दोनों को सेम कर दूँ यहाँ पे तो लिटरली यहाँ पे सेम सेम है आपका यहाँ पे इम्पैक्ट देखिएगा यहाँ पे। तो इसमें एक आइडिया मिला नियर का क्या है, नियर एटेन्यूएशन में लाइक स्टार्ट कहाँ पे और एंड कहाँ पे। स्टार्ट और एंड में अगर मैं डिफरेंस दे दूँगा यहाँ पे, लाइक मैंने यहाँ पे कर दिया 3, ठीक है तो आपको यहाँ पे डिफरेंस दिखेगा आपको यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक में आपको डिफरेंस दिखेगा आपका, ठीक है आप यहाँ पे चीज़ को मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। ओके ऐसे आपके फॉर का है, फॉर का देखो फॉर का कितना है 100, ठीक है मैंने काम कर दिया इन दोनों को कर दिया, जैसे फॉर का मैंने राइट क्लिक किया सबको 0 0, मैंने फॉर का मैंने कर दिया लाइक 1 कर दिया पे विजुअल है। मैं चाहता हूँ मैं नीचे सरफेस पे इम्पैक्ट ना पड़े, पहले नीचे सरफेस पे इम्पैक्ट पड़ रहा था अब नहीं पड़ रहा यहाँ पे, तो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ फॉर का यूज़ पता चला आपको यहाँ पे। इसका स्टार्ट कहाँ पे, लाइक स्टार्ट देखो आप इसका स्टार्ट यहाँ से, जितना पास जाएगा उतना इसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ पे कम एंड यहाँ पे ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है ऐसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे। एंड
तो मैं किसी भी लाइट के सोर्स को हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि यार ये नियर का पार्ट है, ये फार का पार्ट है, ठीक है। नियर में स्टार्ट और एंड है, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से होगा और एंड कहाँ से होगा, जहाँ से लाइट स्टार्ट होगा और जहाँ पे लाइट एंड होगा उसका इम्पैक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो मैं नीचे तक देना चाहूँ तो नीचे तक भी आ सकते हैं यहाँ पे। ऐसे करके हम लोग मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा मेरे पास एक लाइट ऐसा भी है जिसको मैं यहाँ पे मैनेज कर रहा हूँ पे, ठीक है। बहुत अच्छा सा इम्पैक्ट विजुअल हो रहा है यहाँ पे। सपोज एक लाइट का सोर्स बना देते हैं यहाँ पे, मैं कहता हूँ यार मुझे कुछ नहीं करना, सिंपल सा पार्ट एक मैंने यहाँ पे स्पेयर ग्रेड कर दिया, ऑटो ग्रेड, ठीक है, एम प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, असाइन, ठीक है, लाइक कलर पे चलते हैं, कलर पे एज इट इज कॉपी, ठीक है। मैंने यहाँ पे दिखा था, लेकिन मैं वैसे लाइट सोर्स मैंने जस्ट बेसिक बना दिया, ऐसा को मुझे यहाँ पे मैनेज करना है, ठीक है। अब ऐसे कोई लाइट सोर्स भी आप क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब लाइट सोर्स यहाँ पे तो इसके अकॉर्डिंग चीज़ को मैनेज किया जा सकता है यहाँ पे। इसे एक्टिव करने के लिए क्लिक कर दिया मैंने और थोड़ा सा ऊपर कर दिया मैं, यार ऐसा कुछ देखें यहाँ पे हम लोग कुछ मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, ओके। अब लाइट सोर्स को हम यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, लाइट सोर्स कैसा है उसे किस टाइप से डिफाइन करेंगे, लेकिन मैंने बेसिक सेल्फ इल्यूमिनेशन का एक मॉडल बनाया, इसको हम लोग प्रॉपर मॉडल करके हम लोग मैनेज कर सकते हैं कि हाँ ऐसे कुछ मैनेज किया जा सकता है यहाँ पे, ठीक है, जो भी मेरे एक एरिया हो, ठीक है, ओके। इसके अंदर हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं नियर एटेन्यूएशन फार एटेन्यूएशन, ठीक है, पॉसिबल है। गाइज हम लोग यहाँ पे देखते हैं लाइक कुछ ऑप्शंस हैं मेरे पास यहाँ पे, लाइक हम लोगों ने भी ऑप्शन देखा लाइक इंटेंसिटी कलर एंड एटेन्यूएशन, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है, लाइक अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लाइक मैंने किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया तो यहाँ पे कोनिकल चला गया, मैं लाइट को सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, इसमें एक ऑप्शन है शो कोन। शो कोन का मतलब क्या है, लेकिन मैं किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूँगा तो मेरे पास इस लाइट का कोन दिखेगा, चाहे मैं इस लाइट को सेलेक्ट करूँ या ना करूँ। कई बार ऐसा होता है कि हमें यार बहुत सी लाइटें लगा रखी है उसके अंदर हमें देखना है कि कोनिकल एंगल विजुअल है ही नहीं, तो हम इस ऑप्शन को ऑन कर देते हैं तो दिखेगा, ओके। इसी को एक काम करते हैं, लाइक मैंने एक लाइट लिया यहाँ पे, ठीक है, इस लाइट को जस्ट कॉपी लेता हूँ मैं, ठीक है, जस्ट कॉपी, इंस्टेंस तो मैंने नहीं लिया ध्यान रखना, ओके, कॉपी मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे चलते हैं लाइक ऑल डब्ल्यू, ठीक है, रेंडर पर आते हैं। रेंडर में अगर आपको याद होगा मैंने यहाँ पे रीजन कर रखा है, यहाँ पे मैं इसे यूज़ करता हूँ व्यू, ठीक है, मैंने यहाँ पे रेंडर कर दिया यहाँ पे। यहाँ पे भी लाइट का इम्पैक्ट दिखना स्टार्ट हो गया, ओके। जस्ट इसको कॉपी करने के पीछे एक रीज़न है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे एक ऑप्शन है ओवरशूट, ओके, जस्ट क्लिक करता हूँ मैं ओवरशूट और देन मैंने क्लिक कर दिया रेंडर। ओवरशूट का कुछ एरिया दिख रहा है आपको यहाँ पे, सॉरी ओवरशूट होते हैं लाइक उसका एरिया प्रॉपर ओवरऑल सब पे इम्पैक्ट दिखाने लगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं किसी भी कलर का इम्पैक्ट अगर मैं देती हूँ यहाँ पे, लाइक मैं मुझे यहाँ पे डार्क ब्लू में देन यहाँ पे और कहीं पे हाईलाइटेड देना होता है, कुछ कलर में वेरिएशन आएगी आपके यहाँ पे, लाइक कहीं पे लाइट कहीं पे डार्क, ऐसे भी कई सीन में होता है। आप पे भी देखो नाइट में तो आप पे वेरिएशन दिखता है आपको यार, कहीं पे लाइट और कहीं डार्क दिखता है, हम लोग इस टाइप से चीज़ को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। एक बेटर वे, एक बेटर इम्पैक्ट आ जाएगा आपके यहाँ पे। और ओवरशूट का इम्पैक्ट क्या है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अगर मेरे पास शैडो ऑन है, एक और इम्पैक्ट आपको मैं बताता हूँ यहाँ पे। सपोज मेरे पास यहाँ पे शैडो ऑन है, यहाँ पे रुक गया, मैं शैडो ऑफ कर दूँ यहाँ पे, ठीक है, जस्ट क्लोन कर देते हैं यहाँ पे और रेंडर चेक करते हैं यहाँ पे। कुछ चेंजेस हैं यहाँ पे, लाइक लाइट का इम्पैक्ट जो हमारे पास यहाँ पे है, ये दुकान पे इसका जो एरिया डिफाइन है यहाँ पे,
यहाँ पे जाओ लाइट ऑप्शन यूज़ कर लो यहाँ पे, ठीक है। लाइट कई बार शेडो के साथ यहाँ पे बहुत प्रॉपर वर्क नहीं करता, लाइक शेडो ऑन होता है जब तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है, सरफेस पे टकराता है लाइट रुक जाती है, ठीक है। जब शेडो ऑफ ऑफ होता है तो सब पे इम्पैक्ट देना स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे हम लोग जब भी कोई काम करें तो हम लोग इसका शेडो ऑन रखेंगे। यहाँ पे नियर एंड फार एटेंशन का ऑप्शन भी यूज़ किया हुआ, देखो यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे मैंने सारे ऑप्शन को ऑफ कर दिया, यहाँ पे शेडो मैंने कर दिया, शेडो भी ऑफ, ठीक है। तो अब ये सीन कैसा दिखेगा, लाइक रेंडर करके देखो, जो ओवरशूट का इम्पैक्ट है वो अब सब पे दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस यूज़ किए हुए थे इसलिए ऐसा इम्पैक्ट नहीं दिख रहा था, ठीक है। अब देख सकते हो आप यहाँ ओवरशूट लाइक ओवर ओवर सब पे इम्पैक्ट देने के लिए किया जाता है यहाँ पे, ओके। लाइक मुझे यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखो इसका लिमिटेड एरिया आ गया, यहाँ पे रोक दिया कि इस पर ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े, ठीक है। ओवरशूट ऑफ करते देखो यहाँ पे इम्पैक्ट, ओवरशूट ऑन करते चार तरफ स्फेरिकल पार्ट बन गया, इक्वली लाइट स्प्रेड करने लगा एज ए सन, ठीक है। देन यहाँ पे ओवरशूट ऑफ करते हैं, यहाँ पे कॉनिकल एंगल आ रहा है। तो अगर आप चाहते हो तो ऐसे भी चीज़ों को मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ओके। एक ऑप्शन मैं आपको और डिफाइन करूँगा, लाइक ऑल्ट क्यू प्रीफर परस्पेक्टिव, लाइक विजुअल आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन है रेक्टेंगल, आपको चाहिए तो आप लाइट को रेक्टेंगुलर भी यूज़ कर सकते हो आप यहाँ पे, सर्कल एंड रेक्टेंगुलर राइट क्लिक एंड ऑन आइड ऑल, ओके। इस टाइप से आप चीज़ों को यूज़ कर सकते हो और आपका काम फुलफिल हो सकता है गाइस, ठीक है। ये आप कहते हैं बेसिक लाइटिंग, ठीक है, थैंक यू।